ओला का नाम सुनते ही हमें ऐप बेस्ड टैक्सीज की याद आती है, लेकिन अब ओला पासा पलटने वाला है अपने नए मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ, जो कुछ ही दिनों में लॉन्च होने वाला है। चलिए इसके बारे में और गहराई में जानते हैं। हमने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में पहली बार पिछले साल सुना था, जब खबर आई कि ओला ने डच इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी इटरगो को अक्वायर किया है। तब हमें लगा कि ओला अब इटरगो ऐप स्कूटर के थ्रू इंडिया में भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में राइड शेयरिंग की फैसिलिटी लाने वाला है। फिर खबर आई कि ओला तमिलनाडु में अपनी फैक्ट्री बना रहा है, और क्योंकि वहां AI ड्रिवन रोबोटिक असेंबली लाइन होने वाले हैं, ओला का दावा है कि हर साल ये फैक्ट्री लगभग 1 करोड़ स्कूटर्स बना पाएगी, जो होंडा और हीरो जैसे बड़े ब्रांड से भी काफी ज्यादा है। और प्रोडक्शन के साथ साथ चार्जिंग स्टेशन के भी इंतजाम ओला अपने हाइपर चार्जर नेटवर्क के थ्रू करेगा। उनके मुताबिक पहले ही साल में 100 शहरों में लगभग 5000 चार्जिंग पॉइंट्स लग जाएंगे। अब तक आपको पता चल गया होगा कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर इटरगो ऐप स्कूटर से इंस्पिरेशन लेता है, इसलिए दोनों का डिजाइन काफी सिमिलर है, और इस मिनिमलिस्ट डिजाइन में आपको वेस्पा और बजाज चेतक की झलक भी दिखती है। इसका हेडलाइट एक डुअल LED यूनिट है, जिसके अराउंड LED DRL है। वेस्पा की तरह इसके फ्रंट व्हील पे सिंगल साइडेड सस्पेंशन है, सामने और पीछे 12 इंच अलॉयज हैं, और इसमें फ्रंट डिस्क ब्रेक भी है। लेकिन इसका अंडर सीट स्टोरेज बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर से काफी बड़ा है। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर और इटरगो ऐप स्कूटर में फर्क यह है कि इटरगो ऐप स्कूटर में 1.55 किलोवाट आवर के 3 मॉड्यूलर रिमूवेबल बैटरीज आते हैं, जो यूरोपियन कंट्रोल टेस्ट कंडीशंस मतलब 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे 240 किलोमीटर की रेंज देते हैं। इसके बजाय ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको इसके राइवल्स जैसे कि एथर 450X, चेतक और TVS iQube की तरह कन्वेंशनल फिक्स्ड बैटरी पैक मिल सकता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का रेंज कम होगा, बल्कि ओला का दावा है कि उनके हाइपर चार्जर स्टेशंस में आप इसे 18 मिनट में लगभग 50% तक का चार्ज कर पाएंगे, जो करीब 75 किलोमीटर के लिए काफी होगा। तो ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का रियलिस्टिक रेंज 120 से 150 किलोमीटर के बीच में होना चाहिए, जो इसके राइवल से कई ज्यादा होगा। अब ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की फीचर्स की ओर नजर डाले तो इसकी तुलना एथर 450X से कर सकते हैं। इसके 7 इंच के टचस्क्रीन TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के थ्रू कॉल और मैसेज अलर्ट्स, नेविगेशन, म्यूजिक सिलेक्शन और जियो फेंसिंग के ऑप्शन भी मिलेंगे। और सेफ्टी का ध्यान रखते हुए स्कूटर चलाते हुए आप इन सब ऑप्शंस को स्विच गियर से कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटर में सिर्फ रेंज और फीचर्स नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस भी मायने रखता है। और इटरगो ऐप स्कूटर की तरह ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर का 3 किलोवाट मोटर 6 किलोवाट के पीक आउटपुट के साथ साथ 50 Nm का टॉर्क बनाता है। और तो और, ओला के मुताबिक इसका 0 to 45 km/h का एक्सेलरेशन टाइम भी सिर्फ 3.9 सेकंड्स है, जो एथर 450X की लगभग बराबरी करता है, और इसका टॉप स्पीड भी करीब 85 to 90 km/h तक का होगा। तो अब आते हैं सबसे जरूरी पहलू पे। हमें लगता है कि ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत लगभग ₹1 to 1.1 lakh होगी, एटलीस्ट इंट्रोडक्टरी प्राइस के तौर पे। ये TVS iQube के तो आसपास है, लेकिन बजाज चेतक और एथर 450X से काफी कम। ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के तमाम मॉडर्न फीचर्स, बड़े अंडरसीट स्टोरेज और बेहतरीन परफॉर्मेंस का पैकेज देख के हमें तो यही लगता है कि ये आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक स्कूटर स्पेस में काफी बड़ा तूफान लाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर स्पेस में ग्रोथ सिर्फ एंट्री लेवल तक ही सीमित नहीं है। इसको मद्देनजर रखते हुए आप कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर पसंद करेंगे, बताइए हमें कमेंट्स में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हर तरह के बाइक और स्कूटर के बारे में हिंदी में जानने के लिए बाइक देखो को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, राइड सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।